कैसे हो बच्चों? मैं विजय यादव, लेक्चरर बायोलॉजी, ग्यामर इंटर कॉलेज, ग्यामर गाजीपुर, आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर, जो चौथा चैप्टर है और इस यूनिट का भी आखिरी चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, इसको लेकर आया हूँ। और इसका ये आज का जो वीडियो है ये सेकेंड पार्ट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पहले पार्ट में आपने जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता, जनन स्वास्थ्य की परिभाषा, जनन स्वास्थ्य की प्रमुख समस्याएं, सरकार द्वारा बनाई गई प्रमुख कार्य नीतियाँ, प्रमुख जनन, प्रमुख यौन संचारित रोग और उसके प्रसारण का माध्यम, इन्फेक्शन का माध्यम, और कौन कौन से बीमारियाँ जीवाणुओं द्वारा होते हैं, कौन कौन से विषाणु द्वारा होते हैं, कौन कौन से प्रोटोजोअन द्वारा होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। आज के इस चैप्टर से दूसरे पार्ट में, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप लोग सीखेंगे कि मानव आबादी जो बहुत ही भयावह स्थिति में बढ़ती जा रही है, उसके क्या दुष्परिणाम हैं और उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन के फ़ायदे क्या हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं, साधन हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सरसरी नज़र से आप लोग एक हिस्सा देख लीजिए कि आज के इस वीडियो में कौन कौन से हिस्से, कौन कौन से विषय हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये देखिए एक इंटरेस्टिंग, मैंने बहुत ही मेहनत से खोज खोज करके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिगर लाए हैं आपको समझाने के लिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैप्पी लाइफ का एक लोगो, और इसके अलावा आप देखेंगे कि हम दो हमारे दो, इस एक फिगर के माध्यम से संदेश देता हुआ मानव आबादी को नियंत्रित करने के लिए। ये देखिए एक हम दो हमारे दो, खुशी परिवार सुखी है, और इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट आज के वीडियो से रिलेटेड टॉपिक है। और अस्थाई समाधान क्या हैं जनसंख्या बढ़ने के, अस्थाई समाधान क्या हैं, ये इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। छोटा परिवार सुखी परिवार, देख रहे इतनी जनसंख्या, एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास है कि बड़ा परिवार दुखी परिवार होता है, इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार का एक लोगों सरकार के द्वारा टीवी माध्यम से, प्रचार पे, पोस्टर के माध्यम से समझाया जाता है। ये जो हम दो हमारे दो, अगर बेटा घर की है शान तो बेटी घर की है जान, ये इसके माध्यम से हम दो हमारे दो ये समझाया गया है कि मन में हरदम रखो याद, छोटा परिवार सुखी संसार। ठीक है, ये सरकारों द्वारा कौन कौन से विधियाँ अपनाई जाती हैं, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे तैयार, प्लान मतलब फैमिली प्लान, परिवार नियोजन के साथ, और एक सार्थक कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ। ठीक है, गर्भ निरोधक इंजेक्शन के बारे में हम बताएंगे डिटेल में। और ये एक और ऐड सरकार के द्वारा, ठीक है, यदि पूरा परिवार पूरा नहीं हुआ है तो कंडोम का कर इस्तेमाल, इस तरह से अस्थाई विधियाँ आपको इसमें आपके कोर्स में हैं जो आपको समझना है, पढ़ना है। कब कब सुरक्षित गर्भपात कानूनन सही है, कब कब गलत है, इसके बारे में। और गर्भ निरोधक विधियाँ गर्भपात के बाद कौन कौन से, इसके बारे में। ठीक है, तो आप वीडियो के में बने रहिए। परिवार नियोजन के साधन क्यों अपनाएं, इसके बारे में आप समझेंगे। ठीक है, परिवार नियोजन के सरल उपाय क्या क्या हैं, ये सब आप समझेंगे। और बढ़ती विश्व जनसंख्या, जो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया है, उसमें कौन कौन से प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, क्या प्रभावित करते हैं, इसके बारे में। यहाँ पर एक देखो कार्टून के माध्यम से 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर एक फिगर के माध्यम से बताया गया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बड़ा परिवार दुखी परिवार, एक बाइक पर देखो अपने पूरे परिवार को बैठाया है बेचारा, तो छोटा परिवार सुखी परिवार का लोगो, लोगों को, जनता को समझाने के लिए। अब ये देखिए हम दो हमारे गिन लो, ये देख रहे एक बाइक पर पूरा परिवार ही, ये कार भी फेल है इसके सामने, ये पूरा कार बना लिया अपनी बाइक को। तो ये बड़े परिवार होने से क्या क्या परेशानियां हैं, पूरा परिवार दुखी रहता है। तो अब देखिए इतनी भयावह स्थिति में इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ती रही तो शायद 5 मीटर भी ज़मीन एक आदमी को न मिले। देश वही विकसित होता है जिसने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया है।
एक फिगर के माध्यम से भी ये भारत, इस पॉपुलेशन बीच में भारत का नक्शा दिखाया गया है कि भारत की आबादी कितनी भयावह स्थिति है। ये देख लीजिए, बढ़ती हुई जनसंख्या का ये एक भीड़ समूह क्या स्थिति है। लोग छतों पर, बसों के छतों पर चल रहे हैं, आने वाले समय में यही समस्याएं झेलने को मिलेंगी। इसलिए बहुत ही सावधान, भारत की जनसंख्या ये दिखाया गया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2019 में। ये मैंने एक बहुत ही जानकारी गूगल से खोज करके लाया है, विश्व के बड़े देश जनसंख्या के अनुसार लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। इसमें आपको और देशों के में साथ में कंपैरिजन करने को मिलेगा और आपको सीख मिलेगी कि क्या दशकीय वृद्धि प्रतिशत क्या है और देशों की, हमारे देश की, तो इसे आप लोग जान पाएंगे। दूसरा एक ग्राफ और है, ये भारत की जनसंख्या और इसकी वृद्धि 1901 से लेकर 2011 तक, ये इसका एक आंकड़ा, इसके बारे में आप लोग सीखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये दैनिक जागरण का 10 अगस्त, आज 12 अगस्त है, परसों का ये पेपर है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नज़र, आबादी का विस्फोट। इसमें ये पूरा दिया गया है कि क्या क्या भयावह स्थितियाँ हैं, भारत सरकार अपने पक्ष को रखेगी सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या कानूनन इसके लिए रोक है या कौन से कानून और बनाने जाने चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, सिफारिश की गई है। और इसके साथ में ये चिकित्सकीय सगर्भता समापन, ये टॉपिक है, ये नेक्स्ट वीडियो के लिए है। आज की वीडियो में सिर्फ चिकित्सकीय सगर्भता समापन के पहले का हिस्सा हम पढ़ाएंगे। और ये देख रहे हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं, विधियाँ देख रहे हैं, ये अनेक विधियाँ के द्वारा परिवार नियोजन, छोटे छोटे बाधा विधियाँ, गर्भाशय यंत्र, हारमोनी गर्भ निरोधन, बंध्याकरण या नसबंदी, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, गर्भ निरोध क्या है, परिवार नियोजन की विधियाँ, ये सब नीचे जो हमने पढ़ा है इसके बारे में सब आप लोग आज सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, परिवार नियोजन की आवश्यकता, परिवार नियोजन की आवश्यकता और विधियाँ पूरी बताएंगे। और मानव आबादी वृद्धि, इसका नियंत्रण, एक संक्षिप्त इतिहास, जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण कैसे हो, जनसंख्या वृद्धि के विनाशकारी परिणाम, मानव जनसंख्या बढ़ने का कारण। ठीक है, अब मानव आबादी, भारत में मानव की आबादी, तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो कि चौथा चैप्टर है। इस चौथे चैप्टर जनन स्वास्थ्य का दूसरा वीडियो है ये, तो बहुत ध्यान से लगे रहिए बच्चों, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा पे पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत में मानव आबादी की वृद्धि, मानव आबादी यानी मतलब मानव की जनसंख्या, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इतिहास को अगर देखते हैं तो इतिहास बताता है कि आज से 5-6 हज़ार वर्ष पहले भारत वर्ष का मानव समाज सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक विकसित और आर्थिक रूप से समृद्ध था, अतः देश की अच्छी आबादी वाले शहर होते थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि ईसा से 300 वर्ष पूर्व हमारे देश में मानव आबादी लगभग 10 से 14 करोड़ थी। ठीक है, केवल 10 से 14 करोड़ थी। इसके बाद सन 1600 तक, अर्थात लगभग 2000 वर्ष तक, हमारे देश में मृत्यु दर के बढ़ जाने से आबादी में विशेष वृद्धि नहीं हुई। मृत्यु दर उसमें बहुत सारे अकाल, महामारियाँ वगैरह हो जाती थी, इसलिए जनसंख्या बढ़ नहीं पाई। इसके बाद से हमारे देश में मानव आबादी बढ़नी प्रारंभ हुई और 19वीं सदी के अंत तक तो यह लगभग 24 करोड़ हो गई। फिर 20वीं सदी में भारत में मानव आबादी की अभूतपूर्व वृद्धि प्रारंभ हो गई। इस सदी के प्रथम 20 वर्षों में वृद्धि की लगभग 5.4% दर से भारतीय जनसंख्या लगभग 25 करोड़ ही हुई, परंतु अगले 30 वर्षों में यह वृद्धि लगभग 43.7% दर से बढ़कर लगभग 36 करोड़ हो गई। फिर स्वतंत्रता के बाद तो जनसंख्या वृद्धि ने हमारे देश में विकराल रूप धारण कर लिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के 69 वर्षों में लगभग तिगुनी होकर यह 1 अरब की संख्या को भी पार कर गई, इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई। संसार के कुल लगभग 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूभाग, केवल 2.4% भूभाग ही भारत का है, परंतु भारतीय जनसंख्या संसार की जनसंख्या की लगभग 17% था, बढ़ गया, पहले 16% कुछ था, अब 17.6%। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये जीएस जीके का भी है और आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है कि संसार की
लगभग जो कुल जनसंख्या है, सॉरी, संसार के लगभग जितना भूभाग है, पृथ्वी है, जमीन है, वो भारत का भूभाग केवल 2.4% है। पूरे संसार के जमीन का, पूरे संसार के भूभाग का भारत के पास 2.4% ही भूभाग है। कितना है? भारत के पास केवल 2.4%, 2.4% भूभाग ही है पूरे संसार का। अब समझ लीजिए कितना छोटा सा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से जितनी जनसंख्या पूरे विश्व की है, ठीक है, लगभग 600 करोड़ के आसपास, उससे अधिक भी हो गई है, जितनी जनसंख्या है उसका उसका केवल 17.6%, ये 17% दिया हुआ है एक एवरेज, लेकिन 17.6% जनसंख्या भारत की जनसंख्या है। तो इतने कम भूभाग में भारत की जनसंख्या पूरे विश्व का 17% है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। परीक्षा में ये पूछा जाता है, GS GK में भी पूछा जाता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। संसार भर में चीन की जनसंख्या सर्वाधिक रही है, परंतु गत सदी के अंत तक जनसंख्या में चीन के बाद अब भारत की अधिक आबादी का देश हो गया है। चीन ने अपनी मानव आबादी की वृद्धि को कठोर कदम उठाकर इधर कुछ वर्षों में बहुत कम कर दिया, परंतु भारत में कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यही हाल रहा तो अनुमानतः सन 2050 तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से भी अधिक हो जाएगी, और शीघ्र ही ऐसा समय आ सकता है कि प्रत्येक भारतीय को 5 मीटर भूमि भी उपलब्ध न रहे। ये भयावह स्थिति है, जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है ये हकीकत है। इससे जनता को सावधान रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। मानव जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, अब वो कौन कौन से कारण हैं जो कि इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं? काजेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे प्रमुख कारण तो देखिए तीन है, लेकिन संसार में प्रत्येक जीव जाति की आबादी जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात पर निर्भर करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक जीव जाति की आबादी जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात में निर्भर करती है। जन्म दर अधिक होने पर आबादी बढ़ती है और मृत्यु दर अधिक होने पर आबादी घटती है, ठीक है। सामान्यतः स्वयं प्रकृति की अपनी नियंत्रण प्रक्रियाएं जन्म दर और मृत्यु दर का संतुलन बनाए रखती हैं, इसीलिए किसी भी जीव जाति की आबादी न तो ज़्यादा बढ़ पाती है और न ही ज़्यादा घट पाती है, बल्कि एक सीमा में अस्थायी बनी रहती है, ठीक है। मानव जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर का कारण मूलतः यह है कि पहले अकाल, महामारी, प्लेग जैसे संक्रामक रोग का आना और प्राकृतिक प्रकोपों, आंधी, तूफान, सूखा, बाढ़ आदि से अनेक मनुष्य असमय ही मृत्यु को प्राप्त होते रहते थे, परंतु गत सदी में विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति हुई जिससे मनुष्य ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। देखिए मानव जनसंख्या के बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हैं? नंबर एक, मानव के स्वास्थ्य की सुरक्षा और रोगों से मुक्ति पाने में अत्यधिक सफलता पाई। नंबर दो, अकाल तथा अनेक प्राकृतिक प्रकोपों और महामारियों पर विजय पाई है। नंबर तीन, अपने पर्यावरण की कई दशाओं को अपने हिसाब से बदलने तक की क्षमता अर्जित करके मानव अस्तित्व को अधिक सक्षम बनाया है। उपरोक्त उपलब्धियों के फलस्वरूप मनुष्य की औसत आयु बढ़ गई है तथा मृत्यु दर जन्म दर से काफ़ी घट गई है। यही जनसंख्या की वृद्धि का मूल कारण है, ठीक। अब अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के विनाशकारी परिणाम। जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ गई है तो उसका रिजल्ट तो आएगा, उसका परिणाम क्या होती है? इसका परिणाम जो विनाशकारी परिणाम है क्या क्या, ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो लोगों के लिए घर चाहिए, मकान चाहिए, जगह चाहिए, भोजन चाहिए और सारी सुविधाएँ चाहिए। तो इसके लिए ये जो परिणाम पहले देख लीजिए क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसको सीख लीजिए। उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या के लिए भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा एवं रोजगार आदि की व्यवस्था करना दुश्वार ही नहीं बल्कि असंभव सा होता जा रहा है। खाद्य सामग्री का उत्पादन पहले से कई गुना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी खाद्य की आपूर्ति नहीं हो पा रही। खाद्य समस्या के कारण अनेक देशों की जनता को अपर्याप्त पोषण और कुपोषण का सामना करना पड़ रहा है। इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। संसार में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ से भी अधिक बच्चों का अपर्याप्त पोषण और कुपोषण के कारण निधन हो जाता है। हमारे देश में तो अत्यधिक गरीबी होने के कारण त्रुटिपूर्ण पोषण से प्रतिवर्ष 40% बच्चों की 4 वर्ष से कम उम्र में ही अकाल मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास, चिकित्सा आदि अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति की समस्या हो रही है। भारत एवं अन्य देशों में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी,
की बड़ी भारी समस्या है। आप लोग देख रहे हैं इस समय कितनी बेरोजगारी है, ज़्यादा जनसंख्या है, कोरोना काल के संकट में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, लोगों की नौकरी छूट गई, बेरोजगारी और बढ़ गई, करोड़ों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार पड़े हुए हैं, जनसंख्या का ही दुष्परिणाम। इस विकट समस्याओं ने हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति को ठेस पहुँचाई और देश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। यही नहीं, जीवन संघर्ष के कारण लोगों में देश प्रेम, सामाजिक जीवन और कर्तव्य एवं ईमानदारी के प्रति निष्ठा को कम कर दिया है। हमारे देश की इस प्रकार तीव्र गति से अवनति हो रही है, यानी कि पतन हो रहा है, कि प्राचीन काल के इस समृद्धशाली देश का समृद्धि के हिसाब से संसार में लगभग 206 देशों में अब 173वां स्थान है। समृद्धि में 206 देशों में से 173वां स्थान ही है, मतलब 173वां इतना पीछे है। अब सोचो पहले दूसरे तीसरे से लेकर के घटते घटते समृद्धि इसकी घटते घटते 173वां स्थान है। कितनी बुरी स्थिति है, इसका कारण क्या है? सब जनसंख्या की वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि होगी, इस दुष्परिणामों को निपटने के लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए नियंत्रण, जाहिर सी बात है जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। बट कैसे, क्या क्या विधियाँ होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है। जितना पढ़ रहा हूँ, जनसंख्या वृद्धि के विनाश के परिणाम, मानव आबादी वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, क्योंकि ये सब ऐसे निबंध टाइप के पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण, देखिए, खाद्य के नए स्रोतों की खोज, कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक विकास, जंगलों एवं खादानों आदि प्राकृतिक संपदाओं का अधिकाधिक दोहन, तीव्र औद्योगिकरण आदि अनेक प्रयास बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस दर से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उस दर से हम मानव जाति के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं जुटा सकते। अतः जनसंख्या वृद्धि की समस्या का वास्तविक हल इस वृद्धि को रोकने में ही है। समझ में आई बात, कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, भोजन की व्यवस्था हम बढ़ाते जाएं तो कितना बढ़ाते रहेंगे, एक ना एक दिन उसकी एक सीमा है। ज़मीन हमारी घटती जा रही है, लोगों के रहने के लिए जगह नहीं मिलेंगे, तो खेती कम होती जा रही है, जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, तो वो सब बढ़ाने से अच्छा है कि जनसंख्या को ही नियंत्रित किया जाए। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए के प्रमुख उपाय क्या हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। नंबर एक, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख उपाय निम्न है, नियंत्रण जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रमुख जो उपाय हैं, ये नंबर एक, जनन नियंत्रण करके जन्म दर व मृत्यु दर को समान करना चाहिए। ठीक, जनन नियंत्रण करके जन्म दर व मृत्यु दर को समान करना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, पहले समझ लेते हैं इसको। इसके लिए वही पॉलिसी, हम दो हमारे दो, ये दो लोग मिल करके संतान उत्पन्न करते हैं, पति पत्नी दो लोग, दो की संख्या में, और यदि उनके दो संतानें उत्पन्न होती हैं, चाहे दोनों पुत्र हों, दोनों पुत्री हों, या उसमें से एक पुत्र एक पुत्री, दो से दो संतानें उत्पन्न हुई, तो यह जो विधि है यह अस्थाई विधि है, इससे न ग्रोथ होगा और न ही कम संख्या में कमी आएगी। फिर इन दोनों से जो संतानें उत्पन्न होंगी, एक कोई और मिलेगा, दो मिल करके फिर दो पैदा करेंगे, तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। तो इसलिए जनन नियंत्रण करना है, दो से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करना है, उसके लिए अस्थाई और अस्थाई विधियां बहुत सारी हैं, नीचे हम अभी आपको विधिवत समझाते हैं। जन्म दर मृत्यु दर को समान करना चाहिए, नंबर एक। दूसरा है, बाल विवाह पर कड़ी रोक लगनी चाहिए, इसके कानूनन रोक लगनी चाहिए, कम उम्र में 18 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए उम्र निर्धारित है, अगर इससे कम उम्र है तो वो बाल विवाह, और उसके लिए दोषी की सजा प्रावधान है, जेल जाएंगे लोग। नंबर तीन, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए तथा शिक्षा द्वारा जनसंख्या वृद्धि के कारणों व इससे होने वाली हानि को समझना चाहिए। जैसे आज ये चौथे चैप्टर ग्रुप में बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए, ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा द्वारा जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, उसके क्या दुष्परिणाम हैं, उसको रोकने की विधियाँ कौन कौन सी, ये शिक्षा के माध्यम से ही ये संभव है। इसलिए शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना चाहिए, तभी जनसंख्या वृद्धि रुक सकती है। शिक्षा एक बहुत प्रबल साधन है, और चूंकि इससे लोग जो जो दुष्परिणाम है वो समझेंगे, इसलिए उसको सतर्क रहेंगे उस पर।
चौथा है परिवार नियोजन के लाभ व उपायों की जानकारी सरकारी व गैर सरकारी माध्यम द्वारा सभी को दी जानी चाहिए। आज मिल भी रहा है, सभी सरकारी संस्थान जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं और ANM नर्स ये सब आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत से परिवार नियोजन के लाभ और जानकारियाँ उनके जो संबंधित प्रोडक्ट हैं वो सबको मिलते हैं। बिना हिचकिचाहट सबको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। अब मानव आबादी में वृद्धि तथा इसका नियंत्रण, ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल, एक थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास है पढ़ लेते हैं और ज़रूरी है एक तारतम्यता बनाए रखने के लिए। संक्षिप्त इतिहास कहता है कि पृथ्वी पर प्रागैतिहासिक मानव जातियों के उद्गम एवं उद्विकास की कहानी तो लगभग 16-18 हज़ार वर्ष पुरानी है, परंतु वर्तमान मानव जाति होमो सेपियंस सेपियंस का प्रारंभ मानव जाति में संस्कृति के विकास के कारण आज से लगभग 12 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। इस काल को पाषाण काल कहते हैं। स्टोन एज पत्थरों का जमाना था, पत्थरों से सभी आभूषण हथियार ये आदि मानव बनाते थे, इसलिए पाषाण काल कहा गया। उस समय की मानव आबादी अनुमानतः 1 लाख से 1 करोड़ तक थी, ये पूरे विश्व की बात हो रही। तब से पृथ्वी पर मानव की कुल आबादी और आबादी बढ़ने की दरें निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व में कुल आबादी 1 लाख से 1 करोड़ है, ठीक है, और 1950 में ये देख लीजिए कि उसको अभी बाद में समझते हैं, 5000 ईसा पूर्व में 50 लाख से, फिर 1 ईसा के समय में 25.5 करोड़, 1650 में 50-18, इस तरह से बढ़ता गया है। 1650 50 करोड़ और 1800 में 120 करोड़ हो गया है, 1900 में 1600, अब देखिए 1950 में देखिए 250 करोड़ आबादी में वृद्धि की प्रतिशत जो दर है वो 1.10% दर से बढ़ रही है, ठीक है। अब फिर 1960 में 3000 करोड़ हो गई तो 1.1 से अब आबादी यहाँ से तेज़ी से बढ़ी, 1.86% की दर से बढ़ रही है। 1970 में देखिए 370 करोड़ हो गया, यहाँ पर 2.86 दर से बढ़ी है। तो 1970 तक आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, दर देखिए 1.1 से बढ़ करके 1.86% की दर से बढ़ी, फिर 2.06%, उसके बाद देखिए 1.77-1.74% यहाँ पर देखिए, ये मैं दर पढ़ रहा हूँ ये सब, ठीक है, ये जो दर बढ़ रहा है ये। तो अब लगभग ये 1980 से लेकर के जनसंख्या की जो वृद्धि प्रतिशत है वो घट रही है और 2000 में आकर के 1.4, तो काफ़ी शिक्षा का भी असर है, कुछ लोग जागरूक हुए हैं, फिर भी अभी वो शिक्षा अभी नहीं पहुंच पाया है कोने तक, देश के कोने कोने तक, तो इसका असर है कि अभी जनसंख्या बढ़ रहा है। उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान काल में पृथ्वी पर मनुष्य की आबादी प्रतिवर्ष लगभग 7.5 से 8 करोड़ की दर से बढ़ रही है, ठीक है। वर्तमान काल में मानव आबादी लगभग 40 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ठीक, 40 वर्षों में दुगनी हो जाती है, एक आंकड़ा है वर्तमान में। अब परिवार नियोजन की आवश्यकता विधियाँ, अब आप लोग समझ गए हैं कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं मानव आबादी के, तो परिवार नियोजन की आवश्यकता और उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले तो परिवार नियोजन समझ लेते हैं, परिवार नियोजन है क्या, फैमिली प्लानिंग क्या है। तो ये जान लीजिए कि यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग की परिभाषा ये होगी कि परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर को नियंत्रित तथा कम करने से मानव जनसंख्या की वृद्धि दर कम होने को परिवार नियोजन कहते हैं, ठीक। परिवारों में, एक बार फिर, परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर को नियंत्रित तथा कम करने से ही मानव जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो सकती है और इसी प्रक्रिया को, इसी साधन को, इसी विधियां को परिवार नियोजन कहते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव समाज में स्त्री पुरुष साथ साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं और संतान की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार परिवार मानव जाति में जनसंख्या की एक इकाई होता है। जनसंख्या की इकाई क्या है? परिवार, याद रहे, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, जनसंख्या की इकाई क्या है? परिवार। अतः जनसंख्या परिवारों की संख्या और परिवारों में सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक। परिवार नियोजन की परिभाषा बता दिया, परिवार नियोजन मतलब फैमिली प्लानिंग, हमें 2 ही बच्चे चाहिए, 2 बच्चों में कितना गैप होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाएँ, ठीक है। अगर 2 बच्चे
परिवार अपना पूरा हो जाता है तो अस्थाई विधियां नसबंदी वगैरह करा करके यही परिवार नियोजन, यही सब विधियां अपनाना है, परिवार नियोजन है, फैमिली प्लानिंग। अब परिवार नियोजन की आवश्यकता, नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग क्यों होती है? तो इसका पहला है कारण कि छोटा परिवार सुखी परिवार, इसका हमने आप लोगों को कार्टून के माध्यम से, फिगर के माध्यम से दिखाया है। छोटा परिवार सुखी परिवार यानी हम दो हमारे दोस्त, जाहिर सी बात है कि परिवार छोटा होगा तो हम उसके लिए अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा लालन पोषण कर पाएंगे, पौष्टिक भोजन दे पाएंगे, अच्छे परिवेश में रख पाएंगे, अच्छे कपड़े पहना पाएंगे। ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो सबको वो भोजन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, सबकी फीस आज कितनी पढ़ाई महंगी हो गई है, सबको वो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो छोटा परिवार होता है तो सुखी परिवार रहता है, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। प्रत्येक परिवार में माता पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है, अर्थात बच्चों के लिए उचित भोजन, आवास, वस्त्रों, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की व्यवस्था करनी होती है। अपनी अपनी आय, स्वास्थ्य, समय आदि के अनुसार माता पिता एक निश्चित सीमा में ही यह व्यवस्था कर पाते हैं। यदि परिवार बड़ा होता है तो बच्चों को पालन पोषण की कम सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, साथ ही स्वयं माता पिता का स्वास्थ्य चिंताओं और अधिक परिश्रम के कारण बिगड़ जाता है। इसके विपरीत परिवार छोटा होता है तो प्रत्येक बच्चे को पालन पोषण की समुचित सुविधाएं प्राप्त होती हैं और माता पिता भी चिंता मुक्त और सुखी स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, दूसरा कारण देखिए, पालन पोषण का व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव। पालन पोषण का क्या प्रभाव पड़ता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपने देखा होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इफेक्ट ऑफ अपब्रिंगिंग ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो पालन पोषण यदि छोटा परिवार रहेगा तो अच्छा पालन पोषण होगा, बड़ा रहेगा तो पालन पोषण हो नहीं पाएगा, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक पृथक, अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, ठीक है, जो व्यक्ति के आनुवांशिक एवं उपार्जित लक्षणों का योग होता है। याद रहे ये व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व विकास या व्यक्तित्व की परिभाषा यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या है व्यक्तित्व। ठीक है, तो परिभाषा इसके यहाँ लिख सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक पृथक व्यक्तित्व होता है जो व्यक्ति के आनुवंशिक एवं उपार्जित लक्षणों का योग होता है। हम यहाँ पर आपको समझा दें कि आनुवंशिक तो आप समझ रहे हैं, जेनेटिकली हेरिडिटरी जो होता है, माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं वो आनुवंशिक गुण होता है, और उपार्जित का मतलब ये होता है जो हम जन्म होने के बाद जो सीखते हैं, जो गुण हम अर्जित करते हैं उसे हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। जैसे हम जन्म होने के बाद हम लिखना पढ़ना सीखते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं तो बोलना सीखते हैं, किताबें पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, ये सब जो हम गुण सीखते हैं, इंग्लिश सीखना, मैथ लगाना, साइंस पढ़ना, ठीक है, ये जो सीख हमारी होती है, संस्कार को सीखना परिवार में, समाज में कैसे किस तरह से बात करनी चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, अपने अध्यापकों के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, सामने कैसे खड़ा होना चाहिए, मेहमानों के साथ कैसे बिहेव होना चाहिए, कैसे सामने उनका सम्मान करना चाहिए, ये सब जो संस्कार सीखते हैं ये सब उपार्जित लक्षण हैं, यही व्यक्तित्व का बनता है। तो व्यक्तित्व जो बनता है वो आनुवंशिक और उपार्जित लक्षण, जो हम सीखते हैं जन्म से पहले आनुवंशिक और जन्म के बाद उपार्जित लक्षण का योग जो होता है वो एक व्यक्तित्व होता है, और सबका अलग अलग होता है। तो व्यक्तित्व का विकास बहुत कुछ पालन पोषण पर निर्भर करता है। बड़े परिवार में अथवा गरीब परिवार में निम्न स्तर के पालन पोषण के कारण बच्चों में कई उत्कृष्ट लक्षणों का पूरा विकास नहीं हो पाता, ऐसे बच्चे अच्छे नागरिक नहीं बन पाते और सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में बाधक सिद्ध हो सकते हैं। अगर गलत रास्ते पर पहुँच गए तो ऐसे बाधक ही होंगे। छोटे परिवारों में उच्च स्तर के पालन पोषण के कारण बच्चों के कई उत्कृष्ट लक्षणों का पूरा विकास होता है, ऐसे बच्चों का व्यक्तित्व पूर्ण विकसित होता है और उसमें निखार होता है, ये उत्कृष्ट नागरिक बनकर सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मानव जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर में संपूर्ण मानव जाति के विनाश एवं विलोप पतन की क्षमता है। यह भी स्पष्ट है कि इस समस्या का एकमात्र हल परिवार नियोजन ही है। सड़कों पर, सिनेमाघरों में और समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में हम दो हमारे दो के नारे का प्रचार इसी उद्देश्य से किया जाता है। वास्तव में ही प्रत्येक परिवार में संतानोत्पत्ति की दर दो संतानों तक सीमित हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि अपने आप नियंत्रित हो सकती है। ठीक, अब इसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं देख लीजिए, कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जानी चाहिए, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ताकि दो संतान हो, जनसंख्या बढ़ने में नियंत्रण रहे। वर्तमान जनसंख्या वृद्धि पूर्व मानव जाति के लिए अस्तित्व के लिए घातक है, सही बात है, अतः यह एक अंतर्राष्ट्रीय और विशेषतः भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। विकासशील देश परिवार नियोजन के परिपालन हेतु प्रतिवर्ष अरबों रुपये खर्च करते आ रहे हैं,
क्योंकि परिवार नियोजन प्रत्येक व्यक्तिगत परिवार के स्तर पर होता है। समाज में इसकी विस्तृत जागरूकता अति आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जानी चाहिए। नंबर एक, ये इम्पॉर्टेंट है, आता है लिखने के लिए, परिवार नियोजन की विधियाँ, तो ध्यान रहे, बहुत ध्यान से इसको देखिए समझिए और होमवर्क जो दूंगा उसको करिएगा। नंबर एक, रेडियो टेलीविज़न सिनेमाघरों समाचार पत्रों पोस्टरों आदि के माध्यम से परिवार नियोजन की विधियों तथा इससे होने वाले लाभों का विस्तृत प्रचार किया जाना चाहिए। ठीक। नंबर दो, देश भर में अधिकाधिक परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना करके इसमें लोगों के नियोजन की व्यापक जानकारी दी जानी चाहिए। नंबर तीन, शासकीय एवं अशासकीय सरकारी एवं अर्ध सरकारी प्राइवेट चिकित्सालयों में वंध्याकरण तथा गर्भपात आदि की व्यापक सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक। परिवार नियोजन को अमल में लाने वाले नागरिक को रोजगार लोक सेवा आदि में प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा इनकी संतानों को शिक्षा आदि की समुचित सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसके विपरीत परिवार नियोजन को अमल में न लाने वाले नागरिकों को शासकीय सामाजिक सुविधाओं से शासकीय और सामाजिक जो सुविधाएं हैं शासकीय सुविधा और सामाजिक सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। पांचवा विधि क्या है, शैक्षिक पाठ्यक्रमों में परिवार नियोजन की आवश्यकता महत्व और विधियों का समावेश होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है, शिक्षा के माध्यम से ही इस पर निजात पाया जा सकता है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। छठवां, युवाओं के विवाह की आयु बढ़ाकर सख्ती से साथ इसका क्रियान्वयन होना चाहिए, जो कम उम्र में करते हैं उनको जेल भेजना चाहिए। अगला टॉपिक गर्भ निरोधन कंट्रासेप्शन। मानव में मैथुन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कोहेबिटेशन इन ह्यूमंस, क्या महत्व है इसको समझ लेते हैं सही नज़र से। मानव संभवतः कुछ कपियों के अतिरिक्त, कुछ कपी भी हैं लेकिन उनके अतिरिक्त जितने भी हैं मानव के अलावा जितने भी अन्य जानवर हैं कशेरुकी वर्टिब्रेट जिन रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं वो कशेरुकी कहलाते हैं। अन्य सभी कशेरुकियों में जनन से संबंधित हार्मोन्स का श्रावण तथा इनके प्रभाव से जननांगों की सक्रियता निरंतर न होकर किसी विशेष ऋतु में ही होती है, जिसे इनका जनन काल ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। अतः अस्पष्ट है कि इन जंतुओं में मैथुन मात्र संतानोत्पत्ति के लिए ही होता है। इसके विपरीत मानव में जनद मतलब जननांग, जैसे मेल में टेस्टिस फीमेल में ओवरी, जनद गोनट्स तथा अन्य जननांग सदैव सक्रिय रहते हैं और जनदों में युग्मक कोशिकाएँ स्पर्म एंड ओवम लगातार बनती रहती हैं। इसके अतिरिक्त उद्विकास क्रम में मानव में श्रेष्ठतम बुद्धि तर्कसंगत तथा अक्षरबद्ध वाणी गूढ़ चिंतन एवं नियोजन आदि की क्षमताओं का विकास हुआ। इन सबसे मानव को पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन अपनाने की प्रेरणा मिली। अतः मानव में मैथुन केवल जनन के लिए ही नहीं वरन भोग विलास अनुराग तथा मानसिक तनावों के निदान का भी एक आधार बन गया है। मैथुन का उपयोग संभोग की संतुष्टि के लिए होने के कारण मानव की जनन क्षमता प्रकृति के सामान्य मानकों से कहीं अधिक होती है और सामाजिक जीवन अपनाने के बाद मानव की आबादी उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। स्पष्ट है कि मैथुन का उपयोग संभोग की संतुष्टि के लिए होने के कारण मानव के लिए अपनी जनन क्षमता को सीमित रखना कठिन होता है। फिर भी मानव जनसंख्या को सीमाबद्ध रखना समाज के लिए आवश्यक है। इसके लिए मनुष्यों की जनन क्षमता को सीमित रखने की कई विधियाँ अपनाई जाती हैं और इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसको परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए इसको। कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जिससे कि जनन को नियंत्रित किया जाए, सीमित किया जाए, सीमित संतानें पैदा हों। नंबर एक, वंध्याकरण या नसबंदी, ये नाम से ही स्पष्ट है इसलिए आप लोग समझते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, टर्म्स हैं जो कि आप लोग को परीक्षा में पूछा जाता है और बताना होता है। नसबंदी में क्या है, इसमें जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काटकर या बांधकर जनदों से युग्मक कोशिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। ठीक। पुरुष में वृषण कोष के ऊपरी भाग, ये हमने मानव जनन पढ़ाया, वृषण कोष के ऊपरी भाग को क्या करते हैं, शुक्रवाहिका, ऊपरी भाग में शुक्रवाहिका जो वैस डिफरेंसिया, शुक्रवाहिका मतलब शुक्राणु को ले जाने वाली नलिका को काट कर इनके दोनों कटे सिरे को बांध देते हैं, इस तरह से मोड़ करके, ठीक है, मोड़ करके काट कर बांध देते हैं और यह एक छोटी सी शल्य क्रिया होती है जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है,
वैसेक्टोमी मतलब पुरुष नसबंदी, याद रहे, वैसेक्टोमी मतलब पुरुष नसबंदी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, शुक्रवाहिकाओं को काट करके उनके दोनों सिरों को बांध देते हैं, जिसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा हो गई वैसेक्टोमी की, पुरुष नसबंदी की। वहीं पर स्त्रियों में इस प्रक्रिया को सेल्फ इंजेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, ज़्यादातर पॉपुलर शब्द है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब महिला नसबंदी, वैसेक्टोमी मतलब पुरुष नसबंदी, याद रहे, कन्फ्यूजन ना हो। ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है कि वैसेक्टोमी क्या है, वैसेक्टोमी से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, ट्यूबेक्टोमी की परिभाषा लिखिए, इसे क्या समझते हैं। तो वैसेक्टोमी मतलब पुरुष नसबंदी, इसमें शुक्रवाहिकाओं के दोनों सिरों को काट करके बांध देते हैं, अलग करके बांध देते हैं, जो कि पुरुष ईश्वर के मार्ग को, शुक्राणुओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। वहीं पर स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, जो अंडवाहिनी नलिका होती है जिसे फेलोपियन कहते हैं, उसको काट करके दोनों सिरों को मोड़ करके बांध देते हैं। ये हो गया ट्यूबेक्टोमी। इससे क्या होता है कि गर्भाशय नाल को, ट्यूबेक्टोमी अंडवाहिनी नलिका या गर्भाशय नाल काट कर बांधने से जो ओवम, ओवरी से होकर के आता है गर्भाशय तक, वो उसका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। यह भी एक शल्यक्रिया ऑपरेशन के द्वारा, चीर फाड़, चीर के द्वारा की जाती है। तो लेकिन वैसेक्टोमी जो है, वैसेक्टोमी से काफ़ी जटिल होती है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, महिलाओं की नसबंदी थोड़ी जटिल होती है। ये फिगर के माध्यम से समझिए, देखिए आप फिगर के माध्यम समझिए, देखिए ये क्या है, ये पुरुष नसबंदी है। यहाँ पर देखिए ये वास डिफरेंशिया शुक्रवाहिका नलिका ये है, और यहाँ से बीच में कट कर दिया गया है, और कट करने के बाद इसको क्या किया, देखो देख रहे कैसे ऐसे मोड़ करके इसको बांध दिया गया है, वहाँ पर भी ये मोड़ करके इसे बांध दिया गया है, दोनों तरफ, इधर भी देख रहे हैं, ये इधर भी। तो ये शुक्रवाहिनी नलिका अब काट करके बांध दिया गया है। अब यहाँ से जो, अब देखो यहाँ से चूँकि ईश्वर में यहाँ बनता है, इसी से संतानें उत्पन्न होती हैं निषेचन के बाद, तो ईश्वर में यहाँ जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पर आगे नहीं आएगा, इसका ट्रांसफार मतलब स्थानांतरण नहीं होगा। वहीं पर स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी, ये अंडवाहिनी नलिका जिसे फेलोपियन ट्यूब या गर्भाशयी नाल बोलते हैं, इसको भी इसी तरह से काट करके बांध दिया गया है। देख रहे हैं आप, अच्छी तरह से देख रहे हैं इसको, देखिए काट करके बांध दिया गया है यहाँ पर। तो ये हो गया महिला नसबंदी, और ये हो गया पुरुष नसबंदी, ठीक। ये अस्थायी विधियाँ हैं। वैसेक्टोमी के बाद बनने वाले शुक्राणु एपिडाइडिमिस नलिका या शुक्रवाहिकाओं में खंडित होकर समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी बनने के बाद अंडाणु गर्भाशयी नालों में पहुंचकर खंडित हो जाते हैं। दूसरी विधि क्या, हार्मोनी गर्भ निरोधन। इससे ऐसे हार्मोन्स की गोलियां, जिसे पिल्स बोलते हैं, खाई जाती हैं जो युग्माणु, ठीक है, जनन, युग्माणु जनन तथा गर्भधारण में हस्तक्षेप करते हैं। युग्माणु जनन मतलब कि ओवम को जनन करने में ही रुकावट पैदा करते हैं या गर्भधारण में रुकावट पैदा करते हैं, वहीं पर हस्तक्षेप करते हैं। स्त्रियों के लिए ऐसी गोलियों में प्रोजेस्ट्रान सुना होगा, प्रोजेस्ट्रान एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ऐसी गोलियों में प्रोजेस्ट्रान की अधिक तथा एस्ट्रोजन हार्मोन की कुछ कम मात्रा होती है। इन हार्मोन्स के कारण पीयूष, जो मास्टर ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि को जिसे बोलते हैं, ग्रंथि के उन हार्मोन्स FSH तथा LH का श्रावण बहुत घट जाता है। जब ऐसी गोलियां ली जाती हैं महिलाओं के द्वारा, तो प्रोजेस्टान की मात्रा उसमें अधिक होती है, एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है अग्र पिट्यूटरी से, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है। लेकिन इन गोलियों के प्रभाव से FSH और LH का हार्मोन्स का श्रावण बहुत घट जाता है, और यह हार्मोन करते क्या है, अंडाशय को सक्रिय रखते हैं। जब ये हार्मोन का श्रावण घट जाएगा तो अंडाशय सक्रिय नहीं रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, जिसके कारण से अंडाणुओं का उत्पादन नहीं होगा, ओवम का उत्पादन नहीं होगा। इस तरह से ये गर्भ निरोधन का काम करते हैं। आजकल प्रोजेस्टान जैसे एक पदार्थ डीपो प्रोवेरा के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, इंजेक्शन का नाम है डीपो प्रोवेरा, ठीक है, याद रहे डीपो प्रोवेरा। एक इंजेक्शन 3 महीने तक प्रभावी रहता है, कितने महीने तक, 3 महीने तक प्रभावित रहा, 3 महीने तक ये प्रेग्नेंट नहीं होने देगा, 3 महीने तक ये गर्भ को निरोध करता रहेगा, गर्भ का निरोधन करता रहेगा। इसी प्रकार प्रोजेस्टान के महीन नोरप्लांट, संपूर्ण नोरप्लांट कैप्सूल को शल्य क्रिया द्वारा त्वचा के नीचे आरोपित कर दिया जाता है। यह कैप्सूल 5 वर्ष तक गर्भ निरोधन का काम करते हैं, यानी 5 वर्ष तक प्रेग्नेंट नहीं होने देंगे।
ठीक है, जब गर्भधारण की चाहत होती है तब इस नोर प्लांट कैप्सूल को समय से पूर्व आसानी से निकलवा दिया जाता है। पुरुषों के लिए अभी तक किसी संतोषजनक गर्भ निरोधन गोली का आविष्कार नहीं हो पाया है। इस पर कई देशों में शोध कार्य चल रहा है। हमारे देश में भी IIT खड़गपुर वैज्ञानिकों ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार करने का दावा किया है जिसके एक बार लगाए जाने के बाद कई वर्षों तक पुरुष के शुक्राणु निष्क्रिय होते रहते हैं, लेकिन अभी तक वो मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। तीसरी विधि है अंतः गर्भाशय यंत्र, इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD। यह इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD ये इंपॉर्टेंट है। IUD पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाएगा IUD क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अंतः, इंट्रा मीन्स अंतः, यूटेराइन मीन्स गर्भाशय, और डिवाइस मीन्स यंत्र। अंतः गर्भाशय यंत्र इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना, पूछा जाता है। अब यह होता क्या है, कैसे काम करता है? ठीक, यह प्लास्टिक, तांबा या स्टील का बना एक ऐसा छोटा सा कुंडल नुमा क्वाइल्ड यंत्र होता है जिसे गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भाशय की गुहा में फिट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको हम चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं अभी बाद में। कुछ स्त्रियां इस विधि का उपयोग नहीं कर पाती क्योंकि IUD में बहुत सारा दर्द होता है, पीड़ादायक होता है, और सबसे ज़्यादा है कि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, रुधिर स्राव बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह की एक डिवाइस है जिसे हम कॉपर टी कहते हैं। ये कॉपर टी के आकार का होता है, ठीक है, यहाँ इस तरह से धागे लगे होते हैं, तो ये कॉपर टी है। अभी फिगर के माध्यम दिखाते हैं। अंतः गर्भाशय यंत्र से कॉपर आयन से मुक्त होते रहते हैं और जो शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता को कम करते हैं। ठीक, ये भी गर्भ निरोधन की विधि है। चौथा है बाधा विधियाँ। कौन कौन से ऐसे बाधा विधियाँ हैं जो गर्भ निरोध का काम करते हैं? ये विधियाँ शुक्राणुओं को गर्भाशय या गर्भाशयी नालों में पहुँचने से रोकने के लिए अपनाई जाती हैं। ठीक है, शुक्राणुओं को गर्भाशय या गर्भाशयी नालों में पहुँचने से रोकने के लिए अपनाई जाती हैं। इन विधियों में ये बाधा विधियाँ जो होती हैं, याद रहे, अस्थाई हैं, टेम्प्रोरी विधियाँ। इन विधियों में कंडोम, जिसे हिंदी में निरोध भी बोलते हैं, योनिधानी, वेजिनल पाउच, तंतुपट जिसे डायफ्राम कहते हैं, ग्रीवा टोपी, सर्वाइकल कैप का प्रयोग किया जाता है। योनि स्पंज विधि में शुक्राणु को नष्ट करने वाले रसायनयुक्त फेन फोम होता है जो गर्भाशय की ग्रीवा सर्वाइक्स के ऊपर फिट कर दिया जाता है। यह विधि 24 घंटे तक ही प्रभावी रहती है। बाधा विधियां न केवल सुरक्षित व प्रभावी हैं बल्कि इससे विभिन्न यौन संचारित रोग से भी बचाव होता रहता है, बचाव किया जा सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से 60 में STD बोलते हैं, तो ऐसी विधियों से यौन संचारित रोग से भी बचा जाता है, बचाव करता है। अब कंडोम, जो एक लेटेक्स, रबर अथवा किसी अन्य पदार्थ, ऐसे ही पदार्थ की बनी एक छिद्रविहीन पतली थैली सी होती है जो एक सिरे पर बंद तथा दूसरे सिरे पर खुली होती है। इसे संभोग के समय पुरुष अपने लिंग पर चढ़ा लेता है, पहन लेता है। इस प्रकार वीर्य स्त्री की योनि में स्खलित न होकर कंडोम में ही रह जाता है। योनिधानी पुरुष के कंडोम जैसी होती है। इसके बाद तथा ये पहले समझ लेते हैं। ये देखिए, ये नोर प्लांट कैप्सूल ये स्किन के नीचे फिट कर दिया जाता है और 5 वर्ष तक गर्भ निरोधक का काम करता है। ठीक, ये देखिए कॉपर टी है जो कि यूट्रस में डाल दिया जाता है, जहाँ यूट्रस रहता है। देखो ऐसे फिट होता है, दिखा दूँ, ये मान लीजिए यूट्रस है, ये माउथ हो गया, और यहाँ पर ये ओवरी, इस तरह से इधर भी ओवरी, ये ऐसे फिट हो जाता है, देख रहे हैं ना, ये फिट हो जाएगा। और यहाँ पर सर्वाइकल है, ये अभी फिगर के माध्यम से और डिटेल समझाएंगे। तो ये कॉपर्टी हो गया, और ये देख रहे हैं कंडोम, ये मेल कंडोम है और ये फीमेल कंडोम है, मेल कंडोम और फीमेल कंडोम, ये भी बाधा का काम करते हैं, प्रेगनेंसी होने से बचाते हैं, साथ ही साथ ये यौन संचारित रोगों से भी सुरक्षा करते हैं। ये देखो योनिधानी, जिसे वजीना कैप, सर्वाइकल कैप बोलते हैं, तंतुपट, उसी तरह से ये भी है, और ये ठीक है तंतुपट डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ठीक है, ये योनि स्पंज है। तो ये फिगर के माध्यम से आप लोगों ने उम्मीद समझ लिया होगा। ठीक है, हम पढ़ रहे थे कि जैसे योनिधानी पुरुष के कंडोम जैसी होती है। इसके बाद जो खुले सिरों पर लचीले छल्ले होते हैं, बंद सिरे पर बंद छोर वाला छल्ला गर्भाशय की ग्रीवा पर चढ़ा दिया जाता है। खुले छोर वाला
छल्ला यौन छिद्र के चारों ओर रहता है। इस प्रकार संभोग में पुरुष के वीर्य का स्खलन इसी थैली में होता है, इसीलिए यौनिधानी को मादा कंडोम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कई प्रकार के टेम्प्रोरी ये साधन हैं जो कि रबर या प्लास्टिक के बने होते हैं और गर्भाशय गुहा के मार्ग को बंद करने गर्भाशय गुहा चढ़ा देते हैं। ग्रीवा टोपी भी तंतुपट जैसी एक अंगुली आकार की होती है। पांचवा विधि है रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियाँ भी गर्भनिरोधक काम करती हैं। जैसे इन विधियों में ऐसी क्रीम, जेली, फेन आदि का प्रयोग होता है, आदि का प्रयोग करते हैं जो शुक्राणुओं को शीघ्र निष्क्रिय कर देते हैं। इन्हें शुक्राणु विनाशक स्पर्मिसाइडल पदार्थ कहते हैं। इन्हें संभोग से पहले स्त्री की योनि में भर देते हैं, जिसका एक रसायन है नोनोक्सिनोल 9 नामक शुक्राणु विनाशक काफ़ी उपयोग होता है। तो ये याद रहे, अगर पूछा जाता है कि कौन सा पदार्थ स्पर्मिसाइडल का काम करता है, तो जवाब होगा नोनोक्सिनोल 9 पदार्थ स्पर्मिसाइडल शुक्राणु विनाशक का काम करता है। एक रसायन विधि है। क्रियात्मक विधियाँ, छठवां फिजियोलॉजिकल मेथड। ये विधियाँ जनन की कारकी पर आधारित होती हैं, अतः इनके प्रयोग हेतु स्त्रियों के मासिक चक्र पीरियड्स में होने वाले परिवर्तनों तथा इनके होने के समय का ज्ञान आवश्यक होता है। पंचांग या ताल विधि के नाम से ऐसी प्रथम विधि की संस्तुति 1930 में की गई थी। तृतीयक अंडक कोशिका केवल 24 घंटे तक ही निषेचन योग्य रहती है। इस विधि में अंडोत्सर के संभावित दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक संभोग नहीं किया जाता। एक अन्य दूसरी विधि है ताप लाक्षणिक विधि, जिसका विकास 1950-1960 में हुआ था, कि प्रयोग के लिए अंडोत्सर के समय कुछ लक्षणों की पहचान कर लेना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अंडोत्सर समय शरीर में हल्की सी पीड़ा होती है, शरीर ताप थोड़ा सा बढ़ जाता है तथा गर्भाशय की ग्रीवा की दीवार से अत्यधिक चिपचिपे श्लेष्म का श्रावण होता है, जिसका मतलब कि अंडोत्सर्ग हो चुका है। ऐसे समय में संभोग से बचना चाहिए ताकि संतान अवांटेड न हो। मैथुन भंग, सातवां है मैथुन भंग, क्वाइटस इंटरप्टस। इस विधि में अस्खलन इजेकुलेशन से ठीक पहले ही पुरुष अपने लिंग को स्त्री की योनि से बाहर निकाल लेता है। आठवां है उत्प्रेरित गर्भपात। कभी कभी स्त्री की कुछ विशेष संरचनात्मक या क्रियात्मक दशाओं के कारण गर्भपात स्वतः मिसकैरेज हो जाता है। संतानोत्पत्ति की दर को कम करने के लिए आजकल उत्प्रेरित गर्भपात एबॉर्शन भी किया जाता है। इसके लिए लगभग 20 सप्ताह की आयु, याद रहे गर्भपात जो होता है वो कितना, 20 सप्ताह, 20 सप्ताह की आयु के हो जाने से पहले ही भ्रूण को निर्वात अर्थात वैक्यूम पंप द्वारा गर्भाशय से खींचकर बाहर निकाल देते हैं, या कुछ रसायनों की सहायता से अपरा यानी प्लासेंटा को खंडित कर देते हैं, या शल्य क्रिया ऑपरेशन के द्वारा भ्रूण को निकाल देते हैं। एक मेडिसिन है, रसायन है, जिसे बोलते हैं मेफिप्रिस्टोन या इसी का RU486 नामक औषधि दवा है, ये जो गर्भाशय की दीवार में प्रोजेस्टान हार्मोन के प्रभाव को समाप्त करके गर्भाशय की दीवार की एंड्रोमेट्रियम को खंडन करने को प्रेरित करती है। ठीक है, ये एक विधियाँ थी गर्भनिरोधन प्रेगनेंसी से बचने के लिए, अवांछित गर्भधारण से बचने के लिए। अगला टॉपिक है चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे शार्ट में MTP बोलते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, आज के वीडियो बहुत लंबा हो जाने से इसको हमने काट दिया था। और उसमें कौन कौन से कानून है या कानून प्रक्रिया के अंतर्गत मेडिकल टर्मिनेशन होता है, एबॉर्शन जिसे बोलते हैं, एबॉर्शन बच्चे का भ्रूण का एबॉर्शन कराना उसे बोलते हैं सगर्भता समापन। मेडिकल ट्रीटमेंट के दवा के माध्यम से योग्य चिकित्सकों की देख रेख में या ऑपरेशन के जरिए, तो ये नेक्स्ट टॉपिक में। और ये हमने आपको दिखाया था, फिर से देख लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कितना गंभीर समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी बहस चल रही है। अभी परसों ही ये इस पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा, ये पूरा पेपर का न्यूज है, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो 42वें संशोधन के जरिए इनमें 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था क्या, जनसंख्या नियंत्रण कानून। ठीक है, सातवीं अनुसूची की समवर्ती अनुसूची में जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को अधिकृत किया गया है। ठीक है, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कानून नहीं बनाया है, इस पर खैर अभी सुप्रीम कोर्ट में विवादग्रस्त है।
तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है जनसंख्या का बढ़ना। अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए भारत की जनसंख्या और इसकी वृद्धि 1901 से 2011 में क्या ग्रोथ हुआ है। देखिए 1901 में, अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये मुख्य कालम के अंतर्गत जनगणना वर्ष यहाँ पर नीचे है, जनसंख्या कितनी हो गई है, 10 की वृद्धि हैं कितनी हो गई है, यहाँ प्रतिशत में दिखाया जाएगा, और औसत वार्षिक वृद्धि दर घातांकी घात में, और इस युग के पश्चात प्रगतिशील वृद्धि दर, ये इस तरह से देखिए 1901 में इस तरह से देखिए औसत वार्षिक वृद्धि दर यहाँ पे 1911 में 0.56% औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर है, और यहाँ से देख लीजिए काफ़ी फिर यहाँ से घटा है 1921 में, कुछ घटा है रेट, परिवर्तन क्या हुआ है देखिए यहाँ पर घटा है तो इसलिए माइनस दिखा रहे, इतना घट गया है, कम हुआ है। और सबसे ज़्यादा देखिए 1.04, 1.33, 1.25, 2.2, ये यहाँ पर 1971 1981 में देख रहे हैं, ये ज़्यादा तेज़ी से इन्हीं वर्षों में, इन्हीं दशकीय समय में वृद्धि हुई है, 2.20 और 2.22% की दर से जनसंख्या बढ़ी है, बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। हालांकि इसके बाद भी घटोतरी हुई है लेकिन संतोषजनक नहीं है। विश्व के बड़े देश में देखिए बड़े देशों की संख्या में देखिए चीन 10 की वृद्धि, चीन का ये मिलियन में है, चीन का ये 1341 मिलियन जनसंख्या, और 10 की वृद्धि प्रतिशत 5.43, और विश्व जनसंख्या का प्रतिशत 19.4 है, 19.4 विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत है, और भारत का है कितना 17.56 है, ठीक है। चीन 19.4 है पूरे विश्व की जनसंख्या का, और भारत 17.5 है, तो लगभग लगभग कंपटीशन चल रहा है दोनों में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरे विश्व का लगभग 4.5% जनसंख्या है, ठीक है। तो ये जनसंख्या पूरे विश्व के प्रतिशत, इनका 10 की वृद्धि प्रतिशत 7.,  देखो जनसंख्या अमेरिका में 7.26 की दर से बढ़ रहा है, यहाँ पर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि प्रतिशत है, चीन जहाँ पर कंट्रोल कर लिया है 5.43% दर से बढ़ रहा है एक दशक में, वहीं पर भारत 17.4, तो चीन को तो पीछे छोड़ देगा जल्दी ही, क्योंकि चीन ने कंट्रोल कर लिया लेकिन भारत अभी कंट्रोल नहीं किया। और इंडोनेशिया भी देखो बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा 24.78% की दर से ग्रोथ कर रहा है, हर 10 साल में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और नाइजीरिया ये देखिए, ठीक है। रूस देखिए, रूस माइनस में है, रूस की वृद्धि यहाँ पर माइनस में दिख रही है, रूस की वृद्धि नहीं हुई है बल्कि 4.23% की घटोत्तरी हुई है, जनसंख्या बड़ी नहीं है, घटी है, ये आंकड़े हैं। और ये देखिए भीड़ का भयावह दृश्य, यही हाल होगा अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो, लोगों को आने जाने के लिए सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए घरों की स्थिति क्या है, ये घर लग रहा है कि जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं आसपास पार्किंग जैसे, तो नियंत्रित जनसंख्या विकसित देश, ये आपने देखा ही है कि अपनी बाइक को ही कार बना लिया है, ये बड़ा परिवार दुखी परिवार है, सबके लिए कपड़ा खाना पीना चिकित्सा सुविधा सब कहाँ हो पाएगा, ये सब गरीब के गरीब ही रहेंगे, कभी उठ नहीं पाएंगे, बच्चों का अच्छा पालन पोषण चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य ये सब दे ही नहीं पाएंगे, हमेशा इसी में संघर्ष करते रहेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, हम दो हमारे गिन लो, ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम दो हमारे दो, इन्हीं लोगों के लिए देखिए छोटा परिवार सुखी परिवार, ये संदेश दिया जाता है, बड़ा परिवार दुखी परिवार, हमेशा बड़ा परिवार दुखी ही रहेगा। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर देखिए, ये ऊपर वालों के ना, देखिए एक महिला है पुरुष है अपने सभी बच्चों के साथ में, इतने गरीब हैं, गरीबी देखिए, फटे कपड़े पहने हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, गोद में बच्चे को लेकर के भीख से बिलुला रहे, रो रहे हैं भूख से, और ये भीख मांग रहे हैं, तो ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो भाई माई। अब ये जो समझदार शिक्षित महिला है, करिए तुम्हें भूख भोजन या पैसे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए गर्भ निरोधक गोली की ज़रूरत है, तुम्हारे लिए यही ज़रूरत है। ये सही है कि ऐसे लोगों को गर्भ निरोधक गोली या गर्भ निरोधन के साधन बताओ, उनको दो, तुम्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक इस फिगर के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है, इसलिए मैंने इसको ले लिया।
और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक, एक क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए कि ये जो देख रहे हो ना, ये जो राज्य दिखाए गए हैं, ये इन राज्यों में देश की 44% आबादी रहती है। कौन कौन से राज्य हैं देख लीजिए, देखिए राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, इन्हीं इतने राज्यों में पूरे देश की जनसंख्या का 44% यही राज्य में है, ठीक है। लगभग 29 राज्यों में और 8 केंद्र शासित राज्यों में 28, ये 44% इन्हीं 6-7 में है, कितने, 3, 3, 6, 1, 7। तो ये देख लीजिए, अधिक उच्च प्रजनन वाले ज़िले हैं ये सब राज्य हैं। परिवार नियोजन के लिए सरल उपाय क्या है, कॉपर टी, ये हमने बताया, एक कॉपर टी सरल उपाय है, लेकिन इससे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है, सभी स्त्रियों को सूट नहीं करता है। गर्म निरोधक गोलियाँ हैं बहुत सारी, छाया है, मॉलाडी है, सहेली है, ये मार्केट में उपलब्ध है, इसको खाने की विधियाँ उस पर दी रहती हैं। ये कंडोम है, ठीक है, मेल कंडोम, फीमेल कंडोम हमने बताया ये, और पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी, और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, जो मनभाए वही अपनाएं। अब देखिए यहाँ पे परिवार नियोजन साधन के फायदे हैं, क्षतिपूर्ति, धनराशि, ये सब अलग चीज़ें हैं। परिवार नियोजन के साधन क्यों अपनाएं, किसी दंपति के परिवार पूरा हो गया है और ये बच्चे नहीं चाहते हैं तो गर्भ निरोधन के अस्थाई साधन अपनाएं, अगर बच्चे नहीं चाहते हैं तो अस्थाई साधन, पुरुष नसबंदी कराए, महिला नसबंदी। किसी दंपति का परिवार पूरा नहीं हुआ है लेकिन अभी बच्चे नहीं चाहते हैं तो दो बच्चों के जन्म को अंतर रखना चाहते हैं तो गर्भ निरोध के अस्थाई टेम्पोरी साधन अपनाएं, कापटी है, मॉलाडी है, गोलियां हैं, पिल्स हैं और कंडोम्स वगैरह, इंजेक्शन है। गर्भ निरोध के अस्थाई और अस्थाई साधन अपनाकर लाभार्थी गर्भधारण की चिंता किए बगैर यौन जीवन का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो साधन अपनाकर लाभार्थी स्वस्थ स्वयं अपने परिवार को खुशहाल और जीवन प्रदान कर सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर अस्थाई साधन ये और अस्थाई साधन, अस्थाई में पुरुष नसबंधी, महिला नसबंधी, गर्भ निरोधक गोलियाँ अस्थाई, कंडोम, ठीक है, आईयूडी कापर, इंट्रायूट्रिन कापर डिवाइस, इंट्रायूट्रिन डिवाइस, इंजेक्शन, ठीक है, आपातकालीन दवाइयाँ भी होती है, गर्भरोधी होती है, अनवांटेड 72 एक टैबलेट होता है जो आपातकालीन 72 घंटे के अंदर ले लेने से कोई गर्भधारण नहीं होता। तो ये सब सरकार द्वारा समय समय पर प्रचार प्रसार किया जाता है। गर्भपात के बाद गर्भ निरोधक विधियाँ देखिए ये सब हैं, गर्भ निरोधक गोली COC माला N ये गोली है, इस तरह से आता है, हार्मोनल इंजेक्शन, अंतरा, कंडोम, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कापर टी को लग फिट किया गया है, देख रहे हैं कापर टी, IUCD 380A 10 साल के लिए है, यहाँ फिट कर दिया गया, यूटर देख रहे टी आकार का, ICD 375 5 साल के लिए ये है, ये भी यहाँ फिट हो गया है, ठीक है। महिला नसबंदी ये वैसे ट्यूबेक्टोमी, पुरुष नसबंदी ये वैसेक्टोमी, सुरक्षित गर्भपात, गर्भपात कब कानून में सही होता है, 4.5 महीने तक, 4.5 महीने के अंदर गर्भपात कराना कानूनन सही है। प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में गर्भपात की गोलियों MVA तथा उचित तकनीक द्वारा गर्भपात कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पति पत्नी द्वारा इस्तेमाल किए गए अनेक साधन जो टेम्प्रोरी साधन है, अगर वो साधन काम नहीं करे, फेल हो गए और गर्भधारण हो गया तो ऐसी स्थिति में भी गर्भपात कानूनन सही है। रेप बलात्कार हो जाने पर यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी गर्भपात करा देना कानूनन सही है। अब विकृत स्थिति, यदि गर्भ में पल रहा शिशु किसी बीमारी से, जेनेटिकली बीमारी से यदि ग्रसित है तो ऐसे शिशु भी का गर्भपात करा देना कानूनन सही है, ठीक है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति की संभावना यदि गर्भवती को है तो, अगर माँ की जान को खतरा है तो ऐसी स्थिति में गर्भपात कराना कानूनन सही है। डिलीवरी के 40 दिन के अंदर गर्भ फिर से गर्भ ठहर सकता है, डिलीवरी के
40 दिन के अंदर फिर से गर्भ ठहर सकता है। पुनः गर्भधारण से बचने के लिए प्रसव पश्चात तुरंत गर्भ निरोधक अपनाएं, ठीक है। IUCD है, प्रसव पश्चात नसबंदी करा देना चाहिए। तो ये सब तरीके हैं ये, ठीक है। तो नसबंदी तुरंत हो जाना चाहिए, गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, इंजेक्शन हैं, आपातकालीन गर्भ निरोधक जो कि निःशुल्क मिलते हैं राजकीय चिकित्सालयों में। जिम्मेदार पुरुष की ही पहचान, परिवार नियोजन में जो योगदान, अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए आपकी पूरी भूमिका है। यौन संबंध बनाने से पहले गर्भ निरोध के अस्थायी या अस्थायी साधन अवश्य अपनाएं। यदि परिवार पूरा हो गया तो NCV अपनाएं। ये इस तरह से देखिए, यह प्रक्रिया चंद मिनटों में पूरी होती है। लाभार्थी 30 मिनट के अंदर स्वयं घर चलकर जा सकता है। इससे पुरुष के स्वास्थ्य कार्यक्षमता, पौरुष शक्ति में कोई कमी नहीं आती है। NCV के बाद लाभार्थी कोई भी भारी काम पहले जैसा कर सकता है। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं सरकार द्वारा, जो कि यदि परिवार पूरा नहीं हुआ है तो कंडोम का इस्तेमाल करें, हमेशा नए कंडोम का इस्तेमाल करें। यह साधन राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर आशा या ANM के पास निःशुल्क उपलब्ध है। तो बहुत सारे ऐसे विधियाँ हैं जो सरकार द्वारा लोगों को प्रचार प्रसार के लिए दी जाती हैं। जब तक परिवार न बढ़ाना चाहो तब तक बेफिक्र गर्भ निरोधक गोली खाओ। गर्भ निरोधक गोली है सबसे बढ़िया। यहाँ पर देखो बहुत सारे साधन ये बताए गए हैं, तो ये आपके जानकारी के लिए हैं। बस एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन 3 महीने तक खत्म, परिवार नियोजन के टेंशन, एक सार्थक कल की शुरुआत, ठीक है। ये इंजेक्शन MPA अंतरा, ये इंजेक्शन जो है ये MPA अंतरा 3 महीने तक छुटकारा, कोई टेंशन नहीं, तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखो आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली जिसे अनवांटेड 72 बोलते हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ और मालाड़ी, छाया, सहेली, ये सब हैं। कॉपर टी वगैरह हैं, कंडोम्स है, ये वैसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी, महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। मन में हरदम रखो याद, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये आपने देखा, ये हमने बताया है। और हम दो हमारे दो, अगर बेटा घर की शान है तो बेटी घर की जान है, एक है, एक हो या दो, आपस में प्यार और विश्वास हो। ये सब विधियाँ स्लोगन बताए जाते हैं। देखिए इतना बड़ा परिवार से परिवार दुखी ही रहेगा, सुखी नहीं रहेगा, इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज़ें हमें बताना था। देखिए ये जैसे कि छोटा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये क्या है, कंट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब ये ओरल कंट्रासेप्टिव, ये जो दवाइयाँ हैं मालाडी सहेली, ये कहाँ काम करती हैं, ये देखिए यहाँ, ये यूट्रस में काम करती हैं और ओवरी को निष्क्रिय कर देती हैं, यहाँ से ओवम बन नहीं पाता है, इसका एक्शन यहाँ पे है फंक्शन, ठीक है। कंडोम, ये कंडोम है, कंडोम यहाँ बैरियर का काम करता है, रोक लेगा और जो सीमेन होगा वो कंडोम में ही रह जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा, ये रुक जाएगा, ठीक। इंट्रायूट्रिन डिवाइस, ये कॉपर टी देखो यहाँ लगा है, कॉपर टी लगेगा यहाँ पर, ऐसे लग जाएगा कॉपर टी, ठीक। तो ये तकनीक है गर्भ निरोधन के, ये चीज़ें हमने दिखाया, ये आपको दिखाई दिया। ये ट्यूबेक्टोमी पुरुष नसबंदी, ये वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी, ठीक। वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी। जाति धर्म के तोड़ के बंधन, हर घर में अब परिवार नियोजन, डॉक्टर गौरी का दिया हुआ ये स्लोगन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसलिए ले लिया। दो बच्चे कितने खुशहाल हैं, खुश हैं, हम दो हमारे दो, हम सबका है यही विचार, डॉक्टर की सलाह लेकर बनाओ एक खुशहाल परिवार, ठीक। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर हेल्थी रहेंगे तो इस तरह से हैप्पी लाइफ रहेगी। उम्मीद करते हैं आप लोग सब समझ गए होंगे। ओके।